सैमसंग गैलेक्सी A50s को रूट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स आइकन के अंदर जाना है। वहां आपको सिस्टम आइकन दिखेगा, उसके अंदर जाइए। उसके अंदर अबाउट फोन आइकन होगा, उस पर टैप करके अंदर जाना है। वहां बिल्ड नंबर दिखेगा, 7 से 8 बार आप टैप करिए। बैक करके आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो चुका होगा। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको OEM अनलॉक और USB डिबगिंग इन दोनों को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और डाउनलोड मोड में एंटर कराना है। उसके लिए वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप बटन एक साथ दबाए रखिए। आपका मोबाइल इस दौरान PC से कनेक्ट होना चाहिए USB केबल के द्वारा। फिर आपको एक वार्निंग स्क्रीन दिखेगी, वॉल्यूम अप करके उसको अनलॉक कर दीजिएगा बूट लोडर को। ठीक है, इससे जो अब प्रोसेस आप करेंगे इसमें आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा OEM अनलॉक आपका इनेबल हो जाना चाहिए। ये कुछ फाइलें हैं जो आपको डाउनलोड करनी होंगी, आप बाद में पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको फर्मवेयर फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर आपको 5 फाइलें मिलेंगी। आपको AP फाइल को कॉपी कर लेना है मोबाइल पे। फिर आपको मैजिक्स को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके 2 बार आपको इंस्टॉल पर टैप करना है तो एक ऑप्शन आएगा पैच बूट इमेज फाइल। यहाँ पे आपको AP फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेविगेट करनी है, इसी तरह से बूट इमेज फाइल को भी सिलेक्ट करके पैच कर देना है। अब आपको थोड़ी देर, ठीक है, ये जो मैजिक प्रोसेस है ये .tar फाइल आपके सामने पैच कर देगा। ठीक है, अगर आपको .tar फाइल ना दिखे, इसकी जगह हो सकता है .img फाइल दिखे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे कॉपी कर लीजिएगा PC पे, इसको हम डेटा से कन्वर्ट कर देंगे। फिर आपको ओडिन को खोलना है और आपको जो पैच इमेज फाइल है उसको ऐड करना होगा। वहां पे जाके आपको .tr फॉर्मेट चूज करना होगा, लेकिन आपको डालनी होगी .img फाइल। ठीक है, तो ये आपका TR को कन्वर्ट कर देगा। सैमसंग की नए सिक्योरिटी की वजह से आप AP फाइल को डायरेक्टली जो है फ्लैश नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको AP ओडिन के द्वारा करना पड़ेगा। तो अपनी स्क्रीन को अनलॉक करिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके डाउनलोड मोड में एंटर कराइए। उसके बाद जब आप डाउनलोड मोड में जाएंगे तो वार्निंग मैसेज आएगा, फिर से वॉल्यूम अप सेलेक्ट करके प्रेस कर दीजिए, फिर ओडिन को लॉन्च करिए। ठीक है, एक एडिट का मैसेज आएगा, अगर ये मैसेज नहीं आता है तो ये सारे स्टेप्स फिर से रिपीट करिए। ठीक है, उसके बाद आपको AP-PDA बटन, इसे सिलेक्ट करना है। आपको AP.tr फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको ऑप्शंस में जाना है और वहां ऑटो रिबूट, इससे टिक जो है अनटिक कर देना है और आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर से डाउनलोड मोड में जाना है और फिर से वही वार्निंग मैसेज आएगा, तो वॉल्यूम अप करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको स्टॉक रिकवरी मोड में ये पहुंचा देगा। वहां पे आपको वाइप फैक्ट्री रीसेट को सिलेक्ट करना है, यस करके कंटिन्यू कर देना है। सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखिए OS में भी आपको बूट नहीं कराना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आपका सैमसंग गैलेक्सी A50s सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।